अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। आप सबको पहली सहरी जो है वो बहुत मुबारक हो। अभी मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मैंने ज़ाहिर सहरी तैयार करनी है और मैंने अभी पेड़े वगैरह भी करने थे, और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भी सोए हुए हैं, तो बच्चे उठ जाएंगे तो फिर मेरा काम जो है ना वो रह जाएगा। चले फिर जल्दी से पेड़े करती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ही है। और इसके अलावा जो है वकास साहब को जो है मैंने चाय भी बना के देनी है, उन्होंने मुझे फरमाइश कर दी चाय की। तो चले आए फिर किचन में चलते हैं और साथ ही पेड़े करते हैं, साथ चाय भी रखते हैं। जल्दी से पेड़े करके रख लेती हूँ क्योंकि मुझे किसी एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, कोई उठ गया लगता है, मुझे जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा। जान साहब उठ गए थे, मैं उसको अभी सुला के आई हूँ। देखती हूँ गैस आ रही है कि नहीं आ रही, चाय भी बनानी है। अल्लाह खैर करे, लगता है सारी दुनिया सोई हुई है, किसी को पता ही नहीं कि गैस बंद भी करनी है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखिए, मैंने अभी पहले ही वो ऑन किया है तो साथ ही इतनी तेज गैस आ रही है। वाह, काश चाय बन गई। चाय लेने मैं अभी इनको चाय देती हूँ, फिर अपना अगला काम स्टार्ट करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने पेड़े जो है वो किए हुए थे, अब इनको जरा पराठे बेल लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने उठ जाना है, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैंने ऑमलेट भी अपना तैयार कर लिया है। अभी मैंने ऑमलेट के अंदर जो है गाजर, धनिया और बंद गोभी प्याज डाल के जो है वो बना लिया है। तो मुझे आदत है, वैसे ही मैं एक ही अंडा खाती हूँ, एक से ज़्यादा मैं अंडा खा नहीं सकती, तो इसलिए मैंने एक ही अंडा अपना बनाया। तो अभी मैं जल्दी से पराठे तैयार कर लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है। माशाल्लाह से इत्तेफाक से गैस बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी कम लगना शुरू हुई क्योंकि जब मैंने पहले ऑन किया था चूल्हा बहुत तेज़ आ रही थी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी पराठे वगैरह रेडी कर लेती हूँ, ये ना हो कि फिर पाकिस्तान में बिजली और गैस का कोई भरोसा नहीं है कब और किस टाइम चला जाए। बात तो सही है। तो अभी मैं जल्दी से पराठे तैयार कर रही हूँ। पराठा तो अम्मी के हाथ का होता था जो बचपन में खाते थे और शादी से पहले भी। हाय हाय, अब तो ऐसा है कि अपने हाथ से पराठा बना के दिल ही नहीं करता खाने का, शायद वो वाला टेस्ट ही नहीं है। तो अभी भी मैं मिस करती हूँ उस सहरी को, उस सफ्तारी को जो शादी से पहले बहनों के साथ होती थी। चले जी, हमारी सहरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, चाय भी मैंने बना ली, ऑमलेट भी, दही में भी चीनी मैंने मिक्स कर दी है, पराठे वगैरह भी तैयार है। तो चले अब हम जल्दी से सहरी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो चले फिर बाद में मिलते हैं। हमने नमाज वगैरह भी पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ ली है। अब थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ, फिर इंशाल्लाह जब ज़ियान के स्कूल का टाइम होगा फिर मैं उठती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूंगी। 2 hours later. सुबह हो चुकी है, अभी मैं ज़ियान को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। सुबह ये उठ गया था सहरी टाइम, इसने सहरी भी की है और अब इसका दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने का। तो अभी इतना प्यारा मौसम है भाई, और मैं इसको छोड़ के आती हूँ स्कूल, लॉ बैग मैं उठा लेती हूँ। चलो आज शाबाश, जो बाबा जान को मिल के आओ जल्दी से ज़ियान। अभी इसको फुल नींद आई हुई है, फुल वाली नींद, और इसको मैं सुबह भी कह रही थी कि ज़ियान सोचो, लेकिन ये सो नहीं रहा था उस टाइम। तो खैर अभी हम चलते हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। क्या कहते हैं हम मुझसे, क्या कहते हैं? चलिए। ज़ियान को घर पे बहुत नींद आ रही थी, जैसे मैं उसको स्कूल छोड़ के आई हूँ फ्रेंड्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया। अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। 7 hours later. माशाल्लाह से अफ्तारी का टाइम जो है वो बिल्कुल पास है, तो जल्दी से अफ्तारी भी अपनी रेडी करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अफ्तारी में क्या क्या चीजें बना रही हूँ और किस तरह से बना रही हूँ। तो चलिए जल्दी से अफ्तारी बनाते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। Oh,
तैयार कर ली है और जो पकौड़ों का सामान था वो वकास तैयार कर रहे थे, तो उनको एक अर्जेंट कॉल आ गई है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ गया। तो अभी ये है कि सामान भी मुझे ही तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईजा से पूछते हैं, ईजा का रोजा कैसा गुजर रहा है? ईजा आपका रोजा कैसे गुजर रहा है? ये कैसे तोड़ दी? ओहो चलो छोड़ दो। ये आपका रोजा कैसे चल रहा है? अच्छा। पकौड़ों का सामान भी मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है और असर की अजान भी हो गई है, तो ये देखिए मेरे बिल्कुल पकौड़ों का सामान मैंने रेडी कर लिया है। अभी इसको मैं साइड पे कर देती हूँ क्योंकि इसका अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम जब रह जाएगा तब इसको मैं बनाऊंगी। तो अभी इसको मैं कवर कर देती हूँ, कवर करके रख देते हैं और अब हम बनाएंगे स्पेगेटी। स्पेगेटी का सारा सामान मैंने काट लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने चिकन को साफ करके कटिंग कर लिया है, शिमला मिर्च हो गई, गाजर है, बंद गोभी हो गई और कुछ सॉसेस भी हो जाएंगे शामिल। तो इसे मैं स्पेगेटी तैयार करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और वकास पकौड़ों का जो मसाला है ना वो आपने तैयार करना है। बहुत तेज हो रहा है। दस मिनट रह गए रोजा खुलने में, तो अभी अम्मी जो है वो पकौड़े बना रही है, मैं आपको पकौड़े दिखाती हूँ। चले अभी पकौड़े तैयार हो रहे हैं और फिर अफ्तारी जी। तो हमने अफ्तारी भी कर ली, नमाज भी अदा कर दी। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।